हस्ताक्षर अभियान पूर्ण नियोजित था और ये भोजपुरी प्रदेश को मांग को लेकर के चल रहा है। क्या इस हस्ताक्षर को फिर भेजना कहाँ है, क्या योजना है पूरी? ये पूरे भोजपुरी भाषा भाषी जिला जो है का हस्ताक्षर अभियान 2 महीने में पूर्ण जब हो जाएगा, जनवरी के अंतिम सप्ताह में इसे दिल्ली लेकर जाएंगे, हम लोग ट्रकों में प्लाट कर ले जाएंगे। जी। आपका परिचय? TN चौबे, संरक्षक भोजपुरी प्रदेश स्थापना समिति। भोजपुरांचल बनाए जाने की बात कह रहे हैं आप, क्या बात? इसलिए भोजपुरांचल राज्य बनाने की हम लोग मांग कर रहे हैं कि आज़ादी के बाद यह पूरे बनारस काशी से लेकर के और बक्सर विश्वामित्र की नगरी से लेकर के और बीरकुंवर सिंह धरती से लेकर के और बाबू जगजीवन राम की धरती से लेकर यहाँ पर तमाम लोगों ने आज तक मांग करते रहे, लेकिन अब हम नौजवानों ने यह संकल्प ले लिया है कि 34 जिला को मिलकर के जो काशी से लेकर के और बक्सर की विश्वामित्र की धरती तक और तमाम शाहबाद से लेकर के और शेरे बलिया चीतू पांडे बलिया गाजीपुर मऊ होते हुए यह अभियान हस्ताक्षर अभियान का आयोजन चालू है, जिसमें हम लोग हर जगह हस्ताक्षर अभियान कराना शुरू कर दिए हैं और इस पर अब हम लोग चरणबद्ध तरीके से गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन अब चालू कर दिए हैं हस्ताक्षर अभियान कराना, जनता को उजागर करना कि जिस तरह से भोजपुरी का महत्व है लेकिन आज तक भोजपुरी भाषा दर्ज नहीं हुआ, तो अब हम लोग इस भाषा को दर्ज ही नहीं कराएंगे, भोजपुरी राज्य का मांग करते हैं और करते नहीं है। जब तक से यह राज्य भोजपुरांचल राज्य बन नहीं जाएगा तब तक से हम लोग चैन की नींद नहीं सोएंगे और हम लोग इस अभियान में लगे हैं। जिस तरह से हमारे संरक्षक महोदय चौबे जी ने बताया आपको कि जनवरी महीने में हम लोग ट्रकों पर लाद करके हस्ताक्षर अभियान ले जाएंगे, तो हमको उम्मीद है कि कम से कम 2 करोड़ से ऊपर जनता हस्ताक्षर अभियान करेंगे और यह राष्ट्रपति महोदय और प्रधानमंत्री महोदय के प्रस्तुत किया जाएगा और इस भोजपुरांचल राज्य की स्थापना होगी और भोजपुरी का महत्व हम लोग स्थापित करेंगे, यही हम लोगों का मानना है। आपका परिचय? मेरा परिचय डॉक्टर सत्येंद्र ओझा, संयोजक भोजपुरांचल प्रदेश।